सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। याद रहे कि कभी भी अपने विचार और कदम को किसी के गुलामी में मत रखना, यही वो हथियार है जिनसे आप दुनिया बदल सकती हैं। सबसे मुश्किल रास्ता वह होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको मजबूत भी बनाता है। जो किस्मत में लिखा है वह सहना ही पड़ता है। आप अपने दुख बेच नहीं सकते और खुशियाँ खरीद नहीं सकते। आज का पंचांग 29 मार्च 2023 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 9:07 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 8:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:24 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। अशोक अष्टमी, दुर्गाष्टमी व्रत, बुद्धाष्टमी व्रत की शुभकामनाएं। सिंह राशि 29 मार्च 2023 दिन बुधवार, आज का दिन सृजनात्मक प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके हुनर और कार्य दोनों ही की प्रशंसा होगी। अपने कार्य के लिए धन प्राप्ति भी संभव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है और शिक्षा से डरने के स्थान पर उसका सामना करना बेहतर होगा। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे आज वह अल्प प्रयास से ही पूरे हो सकते हैं। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद आपसी सामंजस्य से सुलझाने का प्रयास करें, इससे आपसी प्रेम बना रहेगा। परिवार के लोगों के साथ सही तरीके से बातचीत करना आवश्यक होगा। जब तक चर्चा नहीं होती तब तक खुद की गलती समझ नहीं आएगी। आज परिवार के लोगों को समय देने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आपके करीबी रिश्ते सुधरने लगेंगे उस प्रकार से मानसिक स्थिति में भी बदलाव नजर आएगा। जो काम के लिए फोकस बढ़ाने के लिए सही साबित हो सकता है, आपके द्वारा किए काम की नकल कोई और व्यक्ति कर सकता है। पति पत्नी में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। सावधानियां, फिजूल खर्ची में कटौती करें। अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय पाना जरूरी है, क्योंकि इस वजह से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं। फिजूल खर्ची पर कटौती करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे जिसका आपके साथ एक करीबी रिश्ता रहा है। इस मुलाकात की वजह से आप अपने मौजूदा रिश्तों की गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं या उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। ये पुराने रिश्ते का नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत को चिन्हित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, उसे छुपाएं नहीं और इस तरह से आप एक बेहतर दिन को जी पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है जो आपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है, लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि कार्यों को करने में हास्य की भावना विकसित करें ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। व्यवसाय गतिविधियां, अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। स्टाफ पर कर्मचारियों की लापरवाही से परेशानी आ सकती है। रुपए पैसे संबंधित नुकसान हो सकता है। अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। बात करती है सेहत की। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें। इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव ना लें। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों के बजाय ताजा जूस पिए। आज का उपाय, आज अब गरीब कन्याओं की सहायता करें, शुभ रहेगा।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।